नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद सैनी हूँ। आई एम सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन एट JP हॉस्पिटल नोएडा। इस वीडियो में हम जिस केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ अ केस ऑफ लंबर कैनाल स्टेनोसिस एंड आई वुड लाइक टू गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट लंबर कैनाल स्टेनोसिस। व्हाट इज़ लंबर कैनाल स्टेनोसिस एंड उसका मैनेजमेंट क्या है? देखिए, एज के साथ हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। आगे डिस्क होती है, पीछे जॉइंट्स होते हैं। डिस्क सबकी ख़राब होती है। जब डिस्क ख़राब होती है तो सारा का सारा प्रेशर जो है वो पीछे के जॉइंट्स पे पड़ता है। जब जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है तो उसमें एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होता है। इस एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फेसेस जॉइंट हाइपरट्रॉफी। इस फेसेस जॉइंट हाइपरट्रॉफी के साथ में इन दो बोन्स के बीच में एक पर्दा होता है, लिगामेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंटम फ्लेवम। वो लिगामेंटम फ्लेवम की भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। एंड ये लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी और फेसेस जॉइंट हाइपरट्रॉफी, हड्डी के बढ़ना और इस लिगामेंट के बढ़ने से कई बार ये पीछे से स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करता है, कंप्रेस करता है, जिससे पेशेंट को कमर में दर्द और पैरों चलने फिरने से पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, खिंचाव आता है जो बैठने से ठीक हो जाता है। इन सिम्टम्स को हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। एज के साथ ओल्ड एज में ये न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन इज़ यूजली सीन इन पीपल आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो रीज़न फॉर कंप्लेशन इज़ यूजली फेसेट जॉइंट एज वेल एज लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी। कभी कभी ये होता है कि पेशेंट को लंबे टाइम से पैरों में खिंचाव, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन होता है, चलने फिरने का टाइम जो कम होता है, लेकिन पेशेंट इज़ एबल टू मैनेज। बट समटाइम्स एकदम से आगे सडन ऑनसेट डिस्क हर्निएशन हो जाता है बिकॉज ऑफ सम जर्क या सामने झुक के वेट उठा लिया, कोई गलत पोस्चर हो गया। तो ऑलरेडी जिस केस में नस दबी हुई है उसमें आगे से डिस्क आके नस को दबा देती है, जिससे सिम्टम्स एकदम से एग्रीवेट हो जाते हैं। और कभी कभी पेशेंट जो है उसको पैरों में वीकनेस, बॉल ब्लडर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और जिन केसेस में इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ जाती है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस के सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट चलेगा, खड़ा होगा, जैसे जैसे वो चलना शुरू करेंगे पैरों में खिंचाव, झंझनाहट आएगा, बैठेंगे, उनको आराम आ जाएगा। द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस एंड पोस्चर। ज़्यादातर पेशेंट उससे ठीक हो जाते हैं। ठीक होने का मतलब है कि वो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर लेते हैं। दे आर एबल टू मैनेज मेंटेन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़, वॉशरूम, टॉयलेट जाना, घूमना फिरना, वो कर लेते हैं। अगर आपके सिम्टम्स कंट्रोल्ड हैं, अगर आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पा रहे हो, तो इसमें हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में जिनमें सिम्टम्स प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे, आपका वॉकिंग टाइम, स्टैंडिंग टाइम इज़ सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड, पेन अनबेरेबल है एंड विच इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल मेडिकेशन, या फिर पैरों में वीकनेस आ रही है, तो उन केसेस में आपको सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपको पेशाब और टॉयलेट में दिक्कत हो रही है, कंट्रोल नहीं है, या रुक रुक के आ रहा है, या आप ज़्यादा देर चलते हैं तो आपको टेस्टिस या टॉयलेट वाले एरिया के अराउंड झंझनाहट, सुनपन आ रहा है, ये खतरे का निशान है। क्योंकि ये सिम्टम्स ये इंडिकेट करते हैं कि आपके बाउल एंड ब्लैडर की जो नर्व्स हैं, दे आर गेटिंग कंप्रेस्ड एंड दिस इज़ लीडिंग टू कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम। कॉडा इक्वाइना अगर एक बार हो जाता है, कंप्लीट कॉडा इक्वाइना अगर एक बार हो जाता है, तो उसके रिकवरी के चांसेस कम होते हैं इन स्पाइट ऑफ सर्जरी। सो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स, पेशाब में दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादा खड़े होने, चलने पे, टॉयलेट वाले एरिया और टेस्टिकुलर एरिया में अगर झंझनाहट, सुनपन, खिंचाव, या ज़्यादा चलने पे ऐसा लग रहा है कि पेशाब निकल जाएगा, तो आपको तुरंत सर्जरी की आवश्यकता है। अदरवाइज़ एक बार ये सिम्टम्स परमानेंट हो गए तो तब भी आपको सर्जरी लगेगी, लेकिन रिकवरी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी पहले हो जाती। इस वीडियो में जिस पेशेंट के बारे में हम बता रहे हैं, ये मेरे पास पिछले 3 साल से आ रहे हैं। इनकी एज 72 ईयर्स है। जब ये 3 साल पहले मेरे पास आए थे, उस टाइम पे इनको क्लॉडिकेशन वाले फीचर्स से, बटक्स में, पैरों में खिंचाव, झंझनाहट, पेन आता था जो चलने फिरने से बढ़ जाता था, बैठने से इनको रिलीफ मिलता था। हम सुखलाल डिस्ट्रिक्ट बरेली से के रहने वाले हैं, और हमको लगभग 8-9 साल पिछले से डिस्क की और स्पाइन की प्रॉब्लम थी। हम चलने फिरने में हमें दिक्कत होती थी, खड़े नहीं हो पाते थे, तो हम डॉक्टर प्रमोद सैनी जी के संपर्क में आए। उनका ट्रीटमेंट चला, हमारे उनकी दवा हम लेते रहे तो उससे कुछ रिलीफ मिली, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसका अंतिम ऑप्शन ऑपरेशन ही आए। उस टाइम पे इनको यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब मैंने इनको कुछ मेडिसिन दी, कुछ इनको एक्सरसाइज एडवाइस करी, इन्होंने 1-1.5 महीना वो मेडिसिन ली एंड ही वॉज फाइन एंड एबल टू मैनेज हिज रूटीन एक्टिविटीज़।
एक दो किलोमीटर चलना फिरना, साइकिल चलाना वो आराम से कर रहे थे। फिर एक साल के बाद अगेन ही केम बैक टू मी विथ द रिकरेंस ऑफ द सेम सिम्टम्स। उनको वापस वही दिक्कत वापस आने लगी। उस टाइम पे भी पेशाब में कोई दिक्कत नहीं थी, तो आई अगेन एडवाइस हिम, आप मेडिसिन खाइए, आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, अगर आपको ये सिम्टम्स कम हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो हमको सर्जरी पे जाना पड़ सकता है। फिर से उन्होंने एक डेढ़ महीना वो मेडिसिन ली एक्सरसाइजेस के लिए, अगेन उनके सिम्टम्स सबसाइड कर गए एंड ही वॉज बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ। दिस टाइम उनको पेन के साथ पेशाब में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगी, पेशाब पे जोर लगाना पड़ रहा था, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा था। तो इस बार जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि नहीं, अभी आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, अब हमको सर्जरी पे जाना पड़ेगा। ही वॉज एम्प्रीहेंसिव बिकॉज ऑफ हिज एज एंड ऑल दैट, बट मैंने उनको काउंसिल किया कि जो सर्जरी है सेफ़ है, इसमें ऐसे कोई पैरालिसिस या फिर कोई एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क नहीं है, बिकॉज यू आर फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू आर परफेक्टली फिट। ही अंडरवेंट अ सर्जरी कॉल लेमिनेक्टमी। इन लेमिनेक्टमी व्हाट वी टेक आउट द बोन फ्रॉम द बैक, पीछे से ये जो हड्डियाँ होती हैं इनको हम निकाल देते हैं। अगर आप इनकी MRI देखेंगे तो MRI में बेसिकली जो कंप्रेशन वॉज मेनली एट, जो नस पे दबाव था मेनली, वो L4-5 पे था, और वो पीछे से लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी और फेसेस जॉइंट हाइपरट्रॉफी के कारण हो रहा था। तो इसमें मैंने जो सर्जरी की दैट इज़ कॉल्ड लेमिनेक्टमी, विच वॉज डन अंडर माइक्रोस्कोप विथ अ मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक, जिसमें मैंने ये जो पीच की जो बोन है इसको कट करके निकाल दिया, साथ में जो लिगामेंटम फ्लेवम है उसको भी रिमूव कर दिया, स्पाइन बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के पीच के ऊपर जो पीछे से दबाव था उसको हटा दिया, और हमको अब चलने फिरने में दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, हम इस वक्त अपने आप को नॉर्मल महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर सैनी से हमारा इमोशनल रिलेशन है, वो बहुत अच्छे सर्जन हैं और पेशेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से डील करते हैं। ये जो बोन है, ये वाला जो बीच का जो पार्ट है स्पाइनस प्रोसेस लमाइना, ये स्पाइन की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो अगर हम इसको निकाल भी देते हैं तो उससे स्पाइन अनस्टेबल नहीं होता है। स्टेबिलिटी इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय दीज जॉइंट्स, फेसेट जॉइंट्स एंड डिस्क। अगर आपकी डिस्क हाइट अच्छी है और अगर आपके जॉइंट्स इंटैक्ट हैं, ख़राब नहीं हुए हैं, तो हम अगर इस लिगामेंटम फ्लेवम और लमाइना को अगर निकाल भी देंगे तो भी स्पाइन अनस्टेबल नहीं होगा, मतलब उसमें हमको स्क्रू फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ ब्रीफ पीरियड ऑफ रिकवरी आप नीचे बैठ सकते हैं, सामने झुक सकते हैं, चल फिर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि अगर आप ये आपका जॉइंट जो है इतना ज़्यादा हाइपरट्रॉफिड होता है कि हमको नर्व को फ्री करने में इसको तोड़ना पड़ जाए, तो उन केसेस में स्क्रू फिक्सेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो मिस्टर गंगवार के केस में आई डिड सिंपल लेमिनेक्टमी, उनको अगले दिन से खड़ा किया, चलाया, ही हैड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द पेन एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू गो बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ विद इन 6 weeks। सो द मैसेज दैट आई वॉन्ट टू गिव यू बाई दिस वीडियो इज़ दैट लंबा कैनाल स्टेनोसिस ओल्ड एज में ही होता है, और अगर आप मेडिकली फिट हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं और चलूं और खड़ा हो सकूं, देन सर्जरी इज़ अ सेफ ऑप्शन। अगर आपको बॉल ब्लैडर के सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब अगर आपको पेशाब की दिक्कत अगर हो रही है, तो जितना जल्दी आप सर्जरी कराएं उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक बार पेशाब की ताकत चली गई तो रिकवरी या तो नहीं होती है, अगर होती है तो काफ़ी लंबा टाइम लगाती है। थैंक यू।